बगल में शाहदरा विधानसभा, जिसमें तीन वार्ड है। शाहदरा में झिलमिल कॉलोनी है, साथ ही साथ दिलशाद कॉलोनी है और है शाहदरा। और इस वक्त हम है दिलशाद कॉलोनी में, जहां पे दिलशाद कॉलोनी से बीजेपी की उम्मीदवार सनरिका शर्मा यहां चुनावी मैदान में बीजेपी से खड़ी हुई है। सनरिका शर्मा छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रही है और अब लगभग 8 से 10 साल बीजेपी की कार्यकर्ता के बाद इन्हें बीजेपी ने यहां से मौका दिया है। ये इलाका इसलिए भी खास है और चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर झुग्गी बस्ती भी है, क्योंकि सीमापुरी का एक बड़ा इलाका इस दिलशाद कॉलोनी में आता है और साथ ही साथ यहाँ पर विवेक विहार का इलाका भी परिसीमन के बाद आ गया है, जो कि पॉश इलाका है। और सनरिका शर्मा जो है वो लगातार जो जनसंपर्क अभियान है, डोर टू डोर कैंपेन है, वो कर रही है। सीधा इनसे बात करते हैं। मैम, महिला आरक्षित सीट है, मुद्दे क्या है यहाँ? देखिए, जब हम यहाँ पे प्रचार करने के लिए आते हैं तो महिलाओं का सिर्फ एक ही रोना होता है, वो बिचारी एक ही बात को लेके परेशान हो जाती हैं कि हमें पेंशन दिला दीजिए, हमारे राशन कार्ड बनवा दीजिए, हमें साफ पानी पिलवा दीजिए। क्योंकि जब केजरीवाल जी ने बोला था फ्री 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 पानी, आज लोग पानी पीने के लिए खरीद के पानी पी रहे हैं। यूपी के लोग पहले दिल्ली आया करते थे पानी पीने के लिए, यहाँ पे शहीद नगर है जो यूपी में लग जाता है, तो वहाँ के लोग इधर आते थे क्योंकि यहाँ गंगा का पानी आता था। आज हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को खारा पानी पीने पे मजबूर कर दिया, वो भी अनफिल्टर्ड। अब परिसीमन के बाद चूंकि विवेक विहार के भी कई जो इलाका है वो यहाँ आया है और विवेक विहार एक पॉश इलाका है, तो चुनौती इसलिए भी बड़ी है। सीमापुरी झुग्गी बस्ती और विवेक विहार पॉश इलाका, पॉश इलाके की क्या समस्या है? पॉश इलाके में वहाँ पे देखिए, हम लोगों ने काम किया है, लोग काम से इतना सेटिस्फाइड हैं कि किसी की कोई समस्या नहीं है, चाहे वो सफाई को लेके हो। मैं आपको बता दूं, ये वही कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में 2.5 साल आपके घरों का कूड़ा उठाते रहे, तो यहाँ की जनता समझती है। उन्हीं कर्मचारियों का केजरीवाल जी ने एक एक साल सैलरी नहीं दी है, सबको पता है। देखिए, कुछ चीजें छुपती नहीं है। 11,000 टन कूड़ा पूरी दिल्ली में आता है और उसके लिए समस्या ये भी है कि उसको किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर एक निस्तारण का यहाँ पे आपको केंद्र दिख रहा है और किस तरीके से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग किया जा रहा है। मैम, एमसीडी का ये एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था जो हमने कूड़ेदान बंद किए हैं, जैसे एक इलाके में मान लीजिए 5 कूड़ेदान थे तो आज मात्र एक रह गया है, और उन कूड़ेदान को हमने लाइब्रेरी में बुजुर्गों के लिए और जैसे जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज के, जहाँ पे दूध की सेवाओं की कमी है, वहाँ पे दूध के लिए हमने उसके लिए दिया है। अच्छा, एक जो मुझे चुनौती दिख रही है, देखिए अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन अगर घरों से भी कूड़ा गीला और सूखा अलग अलग लाया जाए तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके लिए हम जिस दिन से हमने ये शुरुआत करी थी, लोगों को जब मैं अपने भाषण भी देती हूँ तो उसमें ये बात जरूर रखती हूँ कि देखिए, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, ये दोनों तरफ से होता है। लोगों को भी शिक्षित होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि सूखा कूड़ा अलग करें और गीला कूड़ा अलग करें, ताकि यहाँ पे जब हम लेकर आए तो हमें उतनी प्रक्रिया ना करनी पड़े जितनी हमें करनी पड़ती है, तो समय बचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा और उठा पाएंगे और ज़्यादा काम बने कर पाएंगे। तो लोगों को भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है। समस्या